अदा गरजे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? अब हम सातवीं जमात में पढ़ रहे हैं। हमारा पहला सबक हो चुका है। सब लोग खुश हैं ना? हम अभी एक गीत सुने। ये एक खूबसूरत गीत है, जरा गौर से सुनिए। बच्चों, आपको ये गीत कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने इस वीडियो में एक किस्म का नाच देखा है। वो नाच कौन सा है, उसका नाम आप जानते हैं ना? अच्छा, ये ओपना है। ओपना एक किस्म का नाच है। ओपना का नाच कहाँ होता है, ओपना कहाँ होने वाला है? हाँ ठीक है, वो शादी के मौका पर होने वाला एक नाच है। ओपना में कौन कौन नाचते हैं? ठीक है, वो सहेलियां नाच रही हैं। सहेलियों के साथ, सहेलियों के पास कौन होगी? हाँ ठीक है, वो दुल्हन है। दुल्हन, दुल्हन को जानते हैं, तस्वीर में देखिए। अच्छा, अच्छी दुल्हन है। ठीक है, हमारी दुल्हन बहुत सुंदर है, बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। देखिए उसकी हथेलियों में क्या लगाई जाती है, उसकी हथेलियों में, हाथों में देखिए वो क्या है। अच्छा ठीक है, मेहंदी है। दुल्हन की हथेलियों में और हाथों में कौन मेहंदी लगा रही है? आपने देखे होंगे मेहंदी लगाने वाले को अच्छी तरह। ठीक है, वो दुल्हन की सहेलियां शादी के मौके पर, हाँ दुल्हन की हथेलियों और हाथों पर मेहंदी लगा रही है। अच्छा ठीक है, शादी के मौके पर दुल्हन को ले जाने के लिए कौन आ जाते हैं? हाँ, दुल्हन को ले जाने के लिए शादी के मौके पर दूल्हा आ जाता है। दूल्हा कैसे आता है? वो अकेला आता है? नहीं, वो बड़ी धूमधाम से आ रहे हैं। अच्छा, आपने देखा है दूल्हा को, दुल्हन और दूल्हा को देखा है? ठीक है, आप शादी घर गए होंगे, गए ना? अच्छा ठीक है, वहां आपने क्या क्या देखा है? शादी घर में आपने क्या क्या देखा है? बहुत सारे चीजें, बहुत सारे नजारे देखे होंगे। वहां शादी के मौके पर, शादी के घर में कौन आते जाते हैं? अच्छा ठीक है, मेहमान लोग आते जाते हैं। वो मेहमान लोग शादी के घर में आते हैं और वो क्या पीते हैं? हाँ, अच्छी अच्छी शरबत पीते हैं। शरबत सुना है? मलयालम में शरबत कहते हैं, शरबत, शरबत उर्दू में शरबत है, वो मलयालम में शरबत हो गए या शरबत हो गए। अच्छा ठीक है, शादी के घर गए तो हम कुछ खाना खाते हैं। अच्छा हाँ, मेहमान लोग क्या क्या खाने खाते हैं वहां से? क्या क्या खाने, फूड, क्या क्या फूड खाते हैं?
ठीक है, बिरयानी खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बिरयानी के बहुत सारी किस्में हैं, हैदराबादी बिरयानी है, तलसेरी बिरयानी है, कालीकट की बिरयानी है, बहुत सारी बिरयानी है। अच्छा, बिरयानी वो उर्दू है और मलयालम में भी है बिरयानी। अच्छा, और सद्या, सद्या मलयालम है, मलयालम का सद्या हम उर्दू में भी सद्या कहते हैं। वगैरह बहुत सारी गजाएँ, वगैरह बहुत सारे खाने या फूड हम शादी के घर जाकर खाते हैं। शादी के घर में लोग कहाँ जमा होते हैं? शादी के घर में क्या लगाया जाता है वहाँ? अच्छा, शामियाना लगाता है। अच्छा, देखिए देखिए, अच्छा शामियाना देखिए, स्क्रीन पर देखिए। सभी लोगों की शादी घर में ही होते हैं? नहीं, कहीं शादी महल में या कल्याण मंडपम में होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो ऑडिटोरियम में ऐसा है। तो देखिए, शादी घर कैसा है? बहुत बुरा है? नहीं, बहुत खूबसूरत है। शादी घर बहुत खूबसूरत है। वो कैसे खूबसूरत बनाता है शादी घर? वो कैसे हम लोग खूबसूरत बनाते हैं? वो सजावट करके शादी घर सजाया जाता है। कैसे सजाया जाता है? हाँ, रंग बिरंगे फूलों से और अच्छी अच्छी बल्ब से, बल्ब या चराओं से खूब सजाया जाता है। ठीक है, वहाँ शादी घर में बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? हाँ, खेलते हैं। वो कैसे खेलते हैं? एक तरफ बैठकर खेलते हैं? नहीं, फिर कैसे? हाँ, वो दौड़ते फिरते, उछलते मचलते, शोर मचाते। अच्छा, उछलते कूदते। प्यारे बच्चों, अब हम एक शादी के घर जाते हैं। जाएं, आप सब लोग तैयार हैं? देखिए, हमारी दर्सी किताब का एक हिस्सा देखिए, मैं पढ़कर सुनाऊंगा, अब गौर से सुनना है, अच्छी तरह वो सुनकर समझना है। ठीक है, राकेश और अम्मी दादी माँ के साथ शादी घर पहुंचे। शादी घर सजाया गया है, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग शरबत पी रहे हैं, शरबत, कुछ लोग शरबत पी रहे हैं, बच्चे शोर मचाते इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चे शोर मचाते, सहेलियां दुल्हन को सजा रही हैं, सहेलियां दुल्हन को सजा रही हैं, चारों तरफ चहल पहल है, चहल पहल, चारों तरफ चहल पहल है। दादी मां को देखते ही खाला जान दौड़ कर आई और उनको गले लगाया। देखिए, गले लगाने की एक तस्वीर। दादी मां को देखते ही खाला जान दौड़ कर आई और उनको गले लगाया। मामी और नानी आपस में बातें करने लगी। नानी और मामी आपस में बातें करने लगी। खाला जान, आइए आपा जान, बैठिए, खैरियत से है ना? खैरियत, खैरियत, कल ही से हम सब आपके इंतजार में थे, कल ही से हम सब आपके इंतजार में थे। दादी मां, जानते हो बेटा ये सब कौन कौन है? इनसे मिलो, ये तुम्हारे मामों की बेटी है, मामों की बेटी, और वो मामी है। सबको देखकर राकेश बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, सबको देखकर राकेश बहुत खुश हुआ। इतने में चंद बच्चे आए और राकेश को साथ ले गए, इतने में चंद बच्चे आए और राकेश को साथ ले गए। वो बच्चों के साथ उछलता कूदता रहा, वो बच्चों के साथ उछलता कूदता रहा।
एक बार भी पढ़े, राकेश और अम्मी। राकेश और अम्मी दादी माँ के साथ शादी घर पहुंचे। कौन कौन पहुंचे शादी घर में? राकेश, अम्मी और दादी माँ। ठीक है, शादी घर सजाया गया है। शादी घर कैसा है? सजाया गया है, लोग आ रहे हैं, शादी घर में लोग आ रहे हैं। कुछ लोग वहां क्या करते हैं? शरबत पी रहे हैं, तो अच्छे अच्छे मजेदार लजीज शरबत, रंग बिरंगे शरबत है आजकल। बच्चे शोर मचाते इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो खेलते हैं, शोर मचाते, हा हू ऐसा शोर मचाकर है। बच्चे, सहेलियां दुल्हन को सजा रही है, सहेलियां हैं दुल्हन को अच्छी तरह मेकअप कर रहे हैं, चारों तरफ चहल पहल है। शादी घर में, शादी के घर में कैसा होता है? शादी घर में खामोश नहीं, वो चुपचाप नहीं रहते, वो चहल पहल है, शोर मचाते रहते हैं, बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं। दादी माँ को देखते ही खाला जान दौड़ कर आई और उनको गले लगाया। दादी माँ को देखते ही खाला जान दौड़ कर आई और गले लगाया। गले लगाना, गला, गला का माना ये नेक, कल्ट, गले लगाना, ठीक है, दोनों के गले अच्छी तरह लगाते हैं। अच्छा, हम ईद के वक्त मस्जिद जाते हैं और दोस्तों को मिलते हैं, आपस में मिले तो क्या करते हैं? आलिंगनम चाहिएगा, मलयालम में आलिंगन चाहिएगा, एम्ब्रेस इंग्लिश में, गले लगाना, लगाना चेरकुगा, गला कल्त, गले कल्तुग चेरकुगा नारायण वाक अर्थ अब अर्थव गले लगाना। अच्छा ठीक है, समझा है। तो देखिए, मामी और नानी, एक तरफ खाला जान और कौन है? दादी माँ। दादी माँ को देखकर खाला जान दौड़ कर आई और गले लगाया, और दूसरी तरफ कौन कौन है? नानी है और मामी है। शादी घर में बहुत से लोग हैं, बहुत से रिश्तेदार आते जाते हैं, मामी और नानी माँ आपस में बातें करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, संभाषण गुफ्तगू। खाला जान कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए आपा जान, आपा जान एक रिश्तेदार है, आपा जान, आपा जान को बुलाते हैं, आइए आपा जान बैठिए, आइए आपा जान बैठिए, खैरियत से है ना? खैरियत, खैरियत से है ना? हम एक दोस्त को या एक रिश्तेदार को देखते ही पहले क्या पूछती है, क्या पूछते हैं? खैरियत पूछते हैं, विशेषण, क्षेम, खैरियत, क्षेम, क्षेम धने ले, खैरियत, खैरियत से है ना? सुखंदा ने ले, ठीक है। कल ही से हम सब आपके इंतजार में थे, कल ही से, कल पिछले दिन, आज नहीं, आज के पिछले, ठीक है, कल ही से हम सब आपके इंतजार में थे, आपके इंतजार में, आप आने के इंतजार में थे, इंतजार कातिरिप वेटिंग। तो दादी माँ कहती है, जानते हो बेटा, बेटा तुम जानते हो ये सब कौन है, कौन कौन है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो कौन कौन है? इनसे मिलो, इनसे मिलो, मिलना संवाद किया, परिचय पड़ा, संसार किया, मिलना, इनसे मिलो, ये तुम्हारे मामू की बेटी है। मामू मलयालम में मामन है, मामन है, वो मामू, वो उर्दू है, और ये मामी है, अपने बताते हैं मामी, मामी को बुलाते हैं। सबको देखकर राकेश बहुत खुश हुआ, राकेश बहुत खुश हुआ सबको देखकर। इतने में चंद बच्चे वहां आ गए,
बच्चे वहां आ गए और राजेश को लेकर गए, राजेश को लेकर वो चले गए। वो बच्चों के साथ उछलता कूदता रहा, खुशी मनाने लगा, अच्छी तरह खेलने लगा। ठीक है, समझा है प्यारे बच्चों, एक शादी घर में हम गए हैं, बहुत सारी बातें शादी घर के बारे में हमने की है। देखिए, शादी से ताल्लुक रखने वाले चंद अल्फाज लिखकर एक लफ्जी सूरज पद सूर्य बनाइए। हमने चर्चा किया है, हमने चर्चा करके बहुत सारी बातें बताई हैं और इनसे आप लोग शादी से ताल्लुक रखने वाले शादी माई बंध पटला शादी से ताल्लुक रखने वाले चंद अल्फाज जमा करें और एक लफ्जी सूरज बनाते हैं, एक दायरा बनाते हैं, उसके चारों तरफ लाइन बनाते हैं, बीच में शादी लिखता है। अच्छा ठीक है, एक एक लाइन पर एक एक लफ्ज लिखता है, ठीक है, और इन अल्फाज की मदद से शादी से ताल्लुक रखने वाले चंद जुमले भी लिखिए। इन अल्फाज की मदद से शादी से मुताल्लुक चंद जुमले भी लिखिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए, व्हाट्सएप के जरिया भेज दीजिए। आप नोटबुक पर अच्छी तरह लिखें। देखिए एक मिसाल, एक जैसे शादी घर खूबसूरत है, देखिए शादी से ताल्लुक रखने वाला लफ्जी सूरज बनाते वक्त हम दूल्हा लिखा है, और कौन होगा और क्या क्या होगा शादी में, शादी के मौके पर क्या क्या होंगे वो लिखिए, आपको जो मालूम है वो लिखिए।